हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टावर क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ का सर विवेक जादौन। तो फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है, उस दिन हमने पढ़ा था नोइंग अवर नंबर। तो लास्ट हमने खत्म किया था प्लेस वैल्यू पर। तो प्लेस वैल्यू से आगे अब हम सीखेंगे कि क्या क्या सीखना है, क्या क्या नहीं। तो उसके बाद हमने फिफ्थ में पढ़ा था एक एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। क्या पढ़ा था? एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। इसका हम फिफ्थ का थोड़ा रिविजन्स कर रहे हैं, पीछे से लेकर चल रहे हैं। देन आके बाद उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज पे 1.1, 1.2 और 1.3 ये खुद ही खत्म हो जाएंगी। एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने सीखी थी फिफ्थ क्लास में। वो क्या थी कि कोई भी डिजिट दी हुई है उसको हम बड़ा करके लिखना है, वही एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती थी। तो जैसे 2, 3, 4, 8, ठीक है, 2, 3, 4, 8 ये डिजिट है, इसको हमें बड़ा करके लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 के आगे कितनी डिजिट है, 1, 2, 3। तो 2 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। 3 के आगे कितनी डिजिट है, 1, 2। तो 3 के आगे 1, 2। 4 के आगे 8 डिजिट और 8 बचा सिंगल, तो 8 को लिख दो। ऐसे आया एक्सपेंडेड फॉर्म थोड़ा बहुत समझ में। एक और क्वेश्चन करते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म का, थोड़ा बड़ा वाला करेंगे आपके। 5, 4, 3, 9, 2, ठीक है। तो 5 के आगे कितनी डिजिट दी हुई है, 5, 5 के आगे 4। तो 5 के आगे 4 जीरो लगा दो। 4 के आगे कितनी डिजिट है, 3। 4 के आगे, 4 के आगे कितनी डिजिट है, 3। 3 के आगे कितनी डिजिट है, 2। 9 के आगे कितनी डिजिट है, 1 और 2 बचा सिंगल। आया यहां तक समझ में एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी दो एक्सटेंडेड फॉर्म आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं। आपको ये मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म 9800375982, इन दोनों की एक्सपेंडेड फॉर्म आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजनी है। आगे चलें, यहां तक समझ में आया, ठीक है। हम आगे चलते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद शॉर्ट फॉर्म। क्या पढ़ते हैं? शॉर्ट फॉर्म, यानी कि अभी पढ़ा हमने बड़ा रूप, अब उसका पढ़ते हैं छोटा रूप। जैसे कोई भी डिजिट दी थी फिफ्थ क्लास में, क्या था कि 2000+4000+3, इनका हमको सिंगल सिंगल हम क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म इसका हमको सिंगल सिंगल उठाना था। तो 2, 4, 3 ये बन गया शॉर्ट फॉर्म। इसी का हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे पहले क्वेश्चंस में। आया समझ में? अब दूसरा क्वेश्चंस करते हैं। तो इनका सिंगल सिंगल क्या होगा, 5, 3, 4। आया शॉर्ट फॉर्म में और एक्सपेंडेड फॉर्म, दोनों क्वेश्चंस समझ में आया आपको? आगे चलो, पढ़ेंगे हम नियरेस्ट 10, जो कि एक्सरसाइज 1.3 में
एस्टिमेट नियरेस्ट 10, 100, 1000 के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन हमने फिफ्थ क्लास में हमने पढ़े थे, तो हम पीछे से चल रहे हैं, फिफ्थ क्लास से चल रहे हैं कि धीरे धीरे सीखेंगे। नियरेस्ट 10 क्या था? नियरेस्ट 10 टॉपिक था, नियरेस्ट 10, हम 10 पढ़ेंगे, उसके बाद 100, उसके बाद 1000। हमारे सिलेबस में 1000 के बाद 10,000 तक है ओनली। तो हम देखेंगे नियरेस्ट 10 क्या था। देखिए मैं बताता हूँ नियरेस्ट 10 क्या होता है, कि कोई भी संख्या है 4, तो 4 के इधर हमने इधर 0 रखा, इधर इधर 10 रखा। नियरेस्ट 10 में चलना है ना, कि 100 में। तो हमें कितना चलना पड़ रहा है, 1, 2, 3, तो 3 के बाद आ रहा है 4। अब इधर 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद आ रहा है 10। तो कौन सा हमारा पास में नियरेस्ट 10 है? तो 4 किसके पास में? 0 के पास में। तो नियरेस्ट 10 क्या हुआ? 0। आया समझ में? देखिए और एक दो क्वेश्चन और समझाता हूं। जैसे 28, इधर नियरेस्ट 10 20 होगा, इधर 30 होगा, ठीक है। इधर हमको कितना चलना है, 29, 29 के बाद 30, इधर हमको 1 चलना है, बाकी बचा 9, 9 इधर चलना है। तो कौन सा पास में होगा? 30 पास में होगा 28 के, ये नियरेस्ट 10 है। और इससे अच्छा भी एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं। जैसे आपका घर यहां है, घर है आपका यहां, ठीक है। आपका ट्यूशन, ट्यूशन जहां पढ़ने जाते हो या कहीं भी जाते हो, वो ट्यूशन की गली यहाँ है, ट्यूशन यहां पढ़ने जाते हो, ये होम हो गया, ये ट्यूशन हो गया, ठीक है। घर से स्कूल यहां है आपका स्कूल, ठीक है। तो कोई आपसे कहे कि घर के नियरेस्ट, नियरेस्ट क्या है आपके घर के पास क्या है? तो घर के पास आपका सपोज डेट, मैं इसको 1 किलोमीटर मान लेता हूं और इसको 3 किलोमीटर मान लेता हूं। घर से स्कूल 3 किलोमीटर है और घर से ट्यूशन 1 किलोमीटर है, तो कौन सी चीज पास में है आपके? तो घर से ट्यूशन पास में हुआ ना, तो नियरेस्ट 10 क्या है मेरा, घर के ट्यूशन। आया समझ में नियरेस्ट 10? आगे चले, अब चलते नियरेस्ट 100 पर। ये फिफ्थ क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन 1.3 में नियरेस्ट 100, 1000 वगैरह दे रखे हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने के प्लस के प्लस नेगेटिव ऐसे करके, तो हम पहले उनको सीख लेते हैं कि नियरेस्ट 10 क्या था। अब नियरेस्ट 100 में हमको 100, 100 का अंतर करना है। जैसे इधर रख लिया 129, इधर रख लिया 100 और इधर रख लिया 200, ठीक है। देखो 100 से इधर चलना है हमको 28, 28 के बाद आ जाएगा 29। आया समझ में? आप खुद ही देख रहे होंगे कि हमको उसके बाद चलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गैप ही इतना है कि 200 200 जो है बहुत लंबा गैप है। तो 28 पास में हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि 100 100 वो 129 का नियरेस्ट 100 100 है। आया यहां तक समझ में? नियरेस्ट 1000 पे चलूं या एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊं? देखिए 198, इधर 100 रख लिया, इधर 200 रख लिया, आ रहा है ना समझ में? तो 198 इधर तो चलना है हमको 97, 97 के बाद 98 आएगा, और इधर हमको दिख रहा है कि 99 चलना है। तो यहां तक समझ में आया? तो इधर कितना चलना था, 1 चलना था, इधर 99 में यानी 1 चलना था, 1। तो यहां तक समझ में आया कितना चलना था, 1 चलना था। तो 198 के कौन सा पास में है, 200, नियरेस्ट 100। यहां तक समझ में आ गया? आगे चलूं,
सूखने दो ना, मैंने इसलिए दस्ताना पहन रखा है कि ये आसानी से मिट सके। एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, अब नियरेस्ट 1000 आएगा। नियरेस्ट 1000 क्या है? ठीक है, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000 क्या है? देखिए कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट है, जैसे कोई भी हम संख्या मान लेते हैं 1139। ठीक है, इधर तो हमको 1000 लिखना है क्योंकि हम नियरेस्ट 100 में जा रहे, नियरेस्ट 1000 में जाएंगे। इधर 2000 लिख लेना है, या इधर हम 1100 लिख लेंगे। ठीक है, तो इधर हमको कितना चलना है और इधर कितना चलना है? देखो इधर तो हमको 130, इधर तो हमको 138 चलने और बाकी के इधर चलने। तो देखिए इधर हमको चलना है कितना चलना है, 60 61, कितना चलना है 61। तो एक बार देख सकते हैं, हम जोड़ के भी देख सकते हैं, 9 और 1 10, 6 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि 100 हो रहा है। ठीक है, तो इधर कितना चलना है 61। तो कौन सा पास में, कौन सा पास में, 1139 के पास में कौन सा है, 1100। तो यहां तक क्लासेस समझ में आ रही है नियरेस्ट 1000 की। देखो इसके बाद जो 113 में जो क्वेश्चन है ना, वो इसी आधार पर दे रखे हैं कि नियरेस्ट में हमारे क्या है, फिर उनको प्लस करके करना है। जैसे मैं एक प्लस का क्वेश्चंस बता दे रहा हूं, देन बाकी आगे आपका कंटिन्यू हम कल रखेंगे। जैसे उसमें दे रखा है क्वेश्चंस में, कोई भी क्वेश्चंस है कि 74 का तो नियरेस्ट 10 बताना है, नियरेस्ट 10, ये नियरेस्ट 10 बताना है, और 36 का भी नियरेस्ट 10 बताना है, और दोनों को एस्टीमेट, यानी एस्टीमेट इनका एडिशन करना है, एडिशन करना है, ऐड करना है, मतलब जोड़ना है इनको। देखिए 36 के पास में तो इधर हमने 30 कर लिया और इधर हमने 40 कर लिया, तो कौन सा पास में हुआ? इधर तो 6 चलना है, इधर 4 चलना है, तो इधर तो 40 आ गया। और 74 के पास में नियरेस्ट 10 क्या होगा? इधर इधर 70 कर लिया, इधर 80, इधर 80 कर लिया, तो हमारा इसके पास में ये होगा, तो 70 लिख लिया। तो 70 और 40 कितना हुआ, 110, ये एस्टीमेट हो गया, ये प्लस हो गया इनका एडिशन। यहां तक समझ में आया? तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।